हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अपनी भाषा में आज बोल रही हूँ मैं, जैसे मतलब मेरे गांव में यहाँ पे बोला जाता है। वैसे तो मैं आप लोगों को फ्रेंड कहती हूँ, लेकिन मेरे नाम की जो यूट्यूबर संगीता है ना, वो दोस्तों कहती हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों का भी वैसे मैं स्वागत करती हूँ जैसे वो अपने चैनल में करती हैं। तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, देखो नीले कलर की है, और मैं मार्केट गई थी बिट्टू के लिए एक वो लेना था, स्वेटर लेना था। बिट्टू के पास स्वेटर नहीं था ना, बिट्टू का स्वेटर सब छोटा हो गया था। तीन स्वेटर थे, तीन में से तीनों छोटे हो गए थे क्योंकि वो बहुत पुराने सब थे। जब ये हुई हुई थी तब पहले मतलब 5 साल मैंने नहीं खरीदा था, फिर 2-3 साल पहले खरीदा था, तो वो इस साल छोटे हो गए। 3 सीजन उसने पहने हैं, 3 ठंडक में छोटे हो गए। तो मैं आज वही खरीदने गई थी और ख़रीद के लाई हूँ एक है, और कुछ घरेलू सामान था जैसे वैसलीन था, बोरो प्लस था, बोरोलीन था, और बिस्किट था। बस यही इतना सामान मैं लेके आई हूँ, और यही इतने सामान में 700-800 का बजट बन गया मेरा। बाजार जाओ ना, जो मतलब पैसे वैसे रहते हैं पर्स वर्स में सब भुर्र हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और वहीं बाजार में मतलब एक बाबा हैं, बूढ़े बाबा हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, वो मतलब टमाटर का, बैंगन का, मिर्ची का और बंदा गोभी का, सब चीज़ का वो पेड़ रखते हैं, हर साल बेचते हैं बेहन। ये देखिए मैं वहाँ से लेके आई हूँ, मिर्चे इसको मिर्ची का बेहन ये कहते हैं। ये है मिर्ची का बेहन, और इसको हम लोग जा रहे हैं बैठाने। पीछे आई हूँ मैं, इसको बैठाने जा रही हूँ और बैठाऊँगी, आप लोग भी देखिएगा। और बहुत कुछ हम लोगों ने बैठाया है, जैसे लहसुन, मूली, पालक, मेथी, मेथी, भिंडी, गोभी, सरसों, गोभी, बंदा गोभी, और क्या कहते हैं पालक, आलू है, और इसको क्या कहते हैं मेथी है, मेथी बताई, और सब हो गया। बोकला बोया गया है। इतनी सारी चीज़ें बोई गई बाकला हैं, बाकला। और आज मैं फिर से जा रही हूँ, मिर्चा तो लगा है, फिर से मैं लगाने जा रही हूँ क्योंकि वो उन बूढ़े बाबा की ना बौनी बट्टा नहीं हुई थी, तो बिट्टू देख रही थी, मैं भी देख रही थी। तो मुझे मतलब बहुत अजीब तरह लगा कि बूढ़े बाबा की अभी बौनी बट्टा नहीं हुई है और उनके शरीर में कुछ भी नहीं है, हड्डी हड्डी थी बेचारे के। तो मैंने कहा चलो इनकी बौनी करवा देते हैं, तो मैंने उनको पैसे दे दिए। मैंने कहा बाबा जो है ये मिर्चा कितने हैं का, तो बोले 20 रुपये की है। तो मैंने कहा दे दो आप बाबा, तो उन्होंने दिया और हम लेके चले आए। उनका बोनी बट्टा भी हो गया, हम लोगों को संतोष भी हो गया। तो बस ऐसे ही है, आप लोग इंजॉय करो वीडियो को। जानबूझ और के खरीदी थी। जानबूझ के तो सही बात खरीदे थे, क्योंकि अगर किसी गरीब की आप मदद करते हो ना, तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, मेरा मानना ये है। और बिट्टू बार बार रास्ते भर यही कह रही थी, मम्मी तुम जानबूझ के खरीदी हो ना, और घर में तो मिर्चा का पेड़ कई जगह लगा, 2-3 जगह लगा है, ऊपर भी लगा है, पीछे भी लगा, लेकिन तुमने क्यों खरीदा? मैंने कहा बेटी उनकी मदद करनी थी मुझे, इसलिए मैंने खरीद लिया। जब मैंने सोचा था जब मेरा चैनल आगे जाएगा ना कभी, तब मैं उन लोगों की मदद करूंगी जो गरीब हैं हमारे इधर के और बेसहारा हैं, उन लोगों की मदद करूंगी। लेकिन देखिए भगवान कब सुनते हैं मेरी, कब मैं उस लायक होती हूँ और कब मैं उन लोगों की मदद करती, मेरी दिली ख्वाहिश है मदद करने की। तो जब करना होगा वो ऊपर वाला करता है, किसी के हाथ में कुछ होता नहीं है। तो आप लोग जनता जनार्दन हो, आप लोगों से मैं अपनी बातें शेयर कर देती हूँ। तो चलो मिर्चा बैठाते हैं। तो जहाँ हमको मिर्चा बैठाना था ना, वहाँ पे बहुत घास फूस था और मेरे हस्बैंड खड़े थे, मुझको चिढ़ा रहे थे कि नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। लेकिन जब हिम्मत कर लो ना, तो हम लोग हर काम कर सकते हैं, औरतें मर्दों से कम नहीं होती हैं, और हर काम मुझे आता है क्योंकि मैं गांव से हूँ और किसान की बेटी हूँ, तो मुझे हर काम आता है। और मुझे किसी काम को करने में शर्म नहीं आती है, क्योंकि कोई हमें खाने को नहीं दे देगा, हम मेहनत करके खाएंगे तभी हमारा पेट भरेगा, ना कि ही कोई हमारा खर्चा चलाएगा या और कुछ। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक दो लोग ऐसे बैड कमेंट करते हैं, मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका भी भगवान भला करे, क्योंकि वो उनके दिमाग की सोच है। और वीडियो डालना कोई गलत बात नहीं होती, मैं वीडियो बनाती हूँ, इसमें जो है क्या बुराई है मैं नहीं समझती, और आप लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ तो उसमें क्या बुराई है, अपनों से ही तो सपोर्ट मांगा जाता है।
यहाँ पे बिट्टू जो है क्या कहते हैं, पानी भी डाल दे रही है, मैं मिर्चा भी उठा रही हूँ। और मिर्चा जो है बहुत अच्छा पेड़ था, सूरजमुखी वाला पेड़ था, जो मतलब एकदम सीधे सीधे फरता है ना, वो वाला पेड़ था। तो मैंने कहा चलो बैठा देते हैं थोड़ा, उस दिन भी और बैठाया था मैंने, और अभी गमले में भी और है मिर्चा का बेहन। तो उन बूढ़े बाबा की जो है क्या कहते हैं, उनका जो है बोहनी बट्टा नहीं हुआ था, मैंने कहा चलो बोहनी बट्टा करवा देते हैं। और ये साड़ी मुझ पे कैसी लग रही है, ब्लाउज़ कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लाउज़ मैंने खुद ही सिला है, और बताना आप लोग ज़रूर। और कैमरा थोड़ा हिल रहा तो इसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा हमको। और आप लोग हमारे भगवान के समान हो, क्योंकि जो जनता हमें देखती है, हमें सपोर्ट करती है, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ और उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मेरा भी मन खुश होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे बाल बच्चे जब मतलब किसी चीज़ के लिए दुखी परेशान होते हैं, तो मैं भी दुखी परेशान हो जाती हूँ। पर आप लोगों का इतना अच्छा अच्छा कमेंट आता है, इतना अच्छा अच्छा आप लोग बातें कहते हैं, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इसी तरह आप लोग साथ देते रहिएगा। और ये देखिए मिर्चा, मतलब एक एक हाथ की दूरी पे मैंने बिठाया था, और मैंने बिठाया, उसके बाद बिट्टू ने ले लिया खुरपी और वो कहने लगी मम्मी 6-7 पेड़ रख देना, मैं बिठाऊंगी, मुझे भी दिखाना है कि बिट्टू को भी बिठाने आता। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप भी बिठा लो। और बिट्टू ने भी बिठाया था। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर मुझसे कहीं भी कोई गलती होती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और इस वजह से अगर मुझसे कहीं भी गलती हो गई हो और आप लोग उस गलती को जानते हो, तो उसके लिए आप लोग माफ़ करो। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जब मुझे किसी ने कहीं से सपोर्ट नहीं किया तब मैंने यह काम किया। और इस काम में बुराई क्या है, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो हाथ जोड़ से आप लोगों से निवेदन है कि गलती कहीं भी मुझसे कहीं भी हो रही हो, तो प्लीज़ उसके लिए उसको आप नज़रअंदाज करके मुझको सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। और हमारे घर में सब्जी आ गई, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे घर में सब्जी क्या आई है। और सब्जी जो है करीब जो है 4 बजे के ही आसपास आ गई थी। और आज मैंने इस कलर की साड़ी पहनी है। ये सब साड़ियाँ अगर आप गर्मी में पहनो ना तो पूरा शरीर कट जाएगा, जब इस मौसम में भी देखिए 2 जगह मेरा कट गया, ये देखिए और ये देखिए, यहाँ पे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन कट गया है। क्योंकि ये एकदम जैसे लगता है कोई चीर रहा शरीर, इस तरह से लगता है। और बहुत पुरानी ये साड़ी है, और मेरी जो भाभी हैं तीसरे नंबर वाली, और वो ये साड़ी मुझे दी थी जब उनकी मतलब शादी होके मेरे घर में आई थी, तब की है साड़ी। और मैं आप लोगों को हैंकी टक कर कर दिखा रही हूँ, और ये देखिए ये मेरी साड़ी है, देखो आप लोग। और ये इसका पल्लू है, ये देखो इस तरह से, और बस हैंकी टक करना है मुझे, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। गया नाटक हैंकी, तो बस ये चैलेंज मैंने लिया है। और इस तरह से हैंकी टक करके जो है खाना बनाना सबको अच्छा लगता है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ ऐसा करने की। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग बताना, इस तरह की चैलेंजिंग वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ये भी बताना। और तो चलिए सब्जी कट कर लेते हैं हम लोग, और अब सब्जी कट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है। तो देखो आप लोग क्या क्या आया है, और ये देखिए ये मटर आया है, बंदा गोभी है, टमाटर है, और ये शिमला मिर्चा है, हरी धनिया है, और हरा मिर्चा है। तो आज मैं शिमला मिर्चा बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जो है मिर्चा और आलू सब कुछ मतलब रख लिया, जो सब्जी मैं आज बनाने वाली हूँ। और आज मैं शिमले मिर्ची की सब्जी बनाऊँगी। तो तेल मतलब गर्म हो गया था कढ़ाई में, और जो है उसमें मैंने शिमला मिर्चा डाल दिया फ्राई होने के लिए, और इसको थोड़ी देर फ्राई होने देंगे, क्योंकि नहीं तो हरा हरा स्वाद इसका आता तो अच्छा नहीं लगता है। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कई तरीके से मुझे आता है बनाने, बस सामान होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनानी आती हैं, कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा मैंने यूट्यूब से। और यूट्यूब पे आना मेरे लिए एक सपने जैसा है,
और उस सपने को प्लीज़ आप लोग पूरा करवाइए। आप लोगों का सपोर्ट प्यार चाहिए मुझे। और इसमें मैंने धनिया डाला, गरम मसाला, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, ये चीज़ें डाली हैं, इतने मसाले मैंने डाले हैं। और इसको करीब मैंने 5 मिनट तक भुना था, और ये अच्छे से जब भुना जाए ना, मतलब महकने लगे, तब इसमें जो है सब्जी डाल देनी चाहिए। और मसाला देखिए भुना गया है, और इसमें अब हम लोग जा डाल देंगे सब्जी। और आज मेरे वहाँ बड़ा आलू नहीं था, छोटा छोटा ही आलू था एकदम, तो मैं छिल नहीं पाई उसको, क्योंकि एकदम छोटे छोटे आलू छिलो ना तो उंगली जो है कट जाती है छिलने से, तो इसलिए नहीं छिला। अब कल आलू आ जाएगी मंडी से तो हो जाएगा सब्जी, आज ख़त्म हो गया है। 2.5 किलो था छोटा छोटा जो आलू बचा था, वही था, उसी की सब्जी मैंने बनाई है। तो मैं कहा मसाले वाली नहीं बनाऊंगी, पानी वाली और सूखी सब्जी बनाऊंगी और अच्छा भी लगेगा। तो बस इसको ढक देते हैं, और उसके बाद जो है जो जो चीज़ें मतलब ज़्यादा फैली थी उसको मैं समेटने लगी, और आटा भी गूंथना था तो मैं आटा गूंथने लगी। और आटा गूंथने के बाद मैं आई हूँ जो है चटनी पीसने धनिया की। आप लोग भी ऐसे धनिया की चटनी पीसिएगा, बहुत अच्छी चटनी होती है। और धनिया की मतलब चटनी में मैंने थोड़ा सा सोया डाला है, सोया मिर्चा और लहसुन की पत्ती, नमक, बस यही सब डाला जाता है, और बहुत अच्छी चटनी होती है। और इतना अच्छा महकता है ना सोया डालने से कि मतलब दिल खुश हो जाता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पापा को भी मेरे पसंद है, और बिट्टू के भी पापा को बहुत पसंद है। और आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और ये चटनी बहुत अच्छी होती है, और इसमें 2 आड़ी मैंने लहसुन डाला था। और मैं लहसुन को मतलब मैं छीलूंगी नहीं, क्योंकि मैं लहसुन को छीलती नहीं हूँ चटनी में या मसाले में डालती हूँ। हमारे वहाँ लहसुन छीला नहीं जाता है, जब सूखी सब्जी बनानी होती है तब लहसुन छीला जाता है। और ये लहसुन एकदम मुलायम मुलायम था, तो इसलिए छीला नहीं मैंने। जो मतलब सख्त सख्त लहसुन होता है उसको छीलना पड़ता है। और इसको तो ऐसे ही, अभी भी देखिए मेरे मतलब साड़ी में हैंकी लगी हुई है, हैंकी चैलेंज वीडियो है किचन में, मुझे काम करते करते जो है हैंकी लगाना है, और मैंने चैलेंज लिया है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो उसको पूरा भी मैंने किया है। और आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छी मैंने मेहनत करके बनाई है। और ये देखिए अब इसको हम मिक्सी में लगा देंगे, नमक भी मैंने डाल दिया है। और दूसरी तरफ मैं देखने लगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो है मेरा चावल रखा हुआ था, और चावल ना गिरने लगे इस वजह से मैं देख रही थी, और ये चम्मच मैं नीचे से उठाने लगी। तो बस देखिए हमारी चटनी पिसा गई है, और कितनी अच्छी लग रही है ना, हरी हरी, बहुत चटपटी और अच्छी चटनी होती है। और इस मौसम में धनिया की चटनी जो है बहुत अच्छी लगती है, अब से लेके जो है फरवरी तक बहुत अच्छा लगता है धनिया की चटनी। और धनिया का सीजन भी है, और धनिया जो है खाना वाना पचाने में फ़ायदा भी करता है, तो इसलिए चटनी हमारे वहाँ दोनों टाइम अक्सर पिसा जाता है, और अगर ज़्यादा होता है तो एक टाइम छोड़ के पिसाता है, नहीं तो चटनी तो हमारे वहाँ खाने में ज़रूर इस समय रहती है। और ये देखिए हमारी सब्जी हो गई है बनके तैयार, इसमें मैंने 2 टमाटर भी डाले हैं, और उस वो वाला जो है क्लिप कहीं मिस हो गया है, तो मैंने जो है एडिट इसमें नहीं किया है। और कैसी लगी आप लोगों को सब्ज़ी, इसमें काट के धनिया पट्टी भी मैंने डाल दिया है। धनिया पट्टी डालने से जो है स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और ये है मेरा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी धनिया की चटनी। मेरे घर में सब लोग खाना खा चुके हैं, और मैं लास्ट हूँ और खाना खाने जा रही हूँ। दाल बनाया है, चावल बनाया है, शिमला मिर्च की सब्जी है, और धनिया की चटनी है, उसमें मैंने सोया डाला है, जो साग में सोया पड़ता है ना वो वाला, और रोटी है। आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए, और मुझे तो बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो बस यही है मेरा आज का खाना, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, पर पता नहीं भगवान कहाँ से नाराज़ है मुझसे। अभी आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर।